कलेक्ट्रेट पर हुए राष्ट्रीय लोकदल के धरना प्रदर्शन के बीच में पीले रंग की साड़ी पहने आया यह व्यक्ति कोई पागल या बहरूपिया नहीं बल्कि रालोद का वरिष्ठ पदाधिकारी ताराचंद गोस्वामी है। ताराचंद गोस्वामी ने अनोखा भेष बनाकर योगी मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारी भेष धारण कर ताराचंद गोस्वामी ने योगी मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि भारत की नारियों ने भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। इसीलिए आज वह नारी भेष बनाकर मोदी योगी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने आए। मोदी जी और योगी जी ने इतना लोगों को भय पैदा कर दिया है कि आप नारी बनकर के घर में रहिए, हमारे खिलाफ मत बोलिए, हमारे खिलाफ बिजली के मत बोलिए, कानून व्यवस्था पर मत बोलिए, बलात्कार पर मत बोलिए, किसानों के ऊपर मत बोलिए, MSP कर मत बोलिए। लेकिन आज हमने सोचा, हमने विचार किया कि ये लोग इतना ढोंग कर सकते हैं, बद्रीनाथ के अंदर जा करके ये भी पूजा करते हैं, तो चैनल वालों को क्यों दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी जो गुफा में बैठ कर पूजा कर रहे हैं। अरे हम लोग तो ब्रजवासी हैं, हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं। जब शंकर भगवान इस ब्रज के अंदर महाराष्ट्र के अंदर गोपी बनकर के आए थे तो गोपेश्वर महादेव कहलाए थे। बरसाने के अंदर में राजा पुरुषवान ने प्रतिबंध लगा रखा था कि यहाँ पर कोई भी महिला के अलावा पुरुष नहीं आएगा। चूड़ी बेचने के लिए भगवान ने नारी का रूप धारण किया और युद्ध में और बहुपथ में हर रूप धारण करना पड़ता है, तो युद्ध है ये। और पांडवों की तरह से ये पांडव है लड़ने वाले और वो कौरव है, इसलिए हमने ये रूप धारण करके यहाँ पर आई है